ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लालगंज के मुख्य संचालिका अलका बहन जी और मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों को तथा सभा में उपस्थित हमारे अति स्नेही बहनें, माताएं, भाई, आप और हम सभी आज की 13वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 13 भगवान कहता मेरा कुछ है इस सृष्टि पर नहीं, सब कुछ 13। तो आज उस लक्ष्य को लेकर कि दुनिया में बहुत लोग कहते हैं मेरा मकान है, मेरा घर है, जाते समय क्या ले जाएंगे, कुछ भी मेरा है, भगवान सब कुछ 13 है। तो बहन जी ने, खास अलका बहन जी ने लालगंज में 13 सालों से, वर्षों से सेवा करके आपको और हम सबको आज उनकी मेहनत से इतने बड़ा बड़ोद में देखा। छोटी सी मूर्ति है लेकिन इनकी कीर्ति, इतना देखो बड़ा सेंटर बनाया है। नहीं तो आज की दुनिया में ऐसे बड़ा, देखो अपने लिए नहीं बनाया है ना, दुनिया में कहते हैं सर टू ह्यूमैनिटी सर टू गॉड, कि मनुष्य औरों की सेवा के लिए, अपने के लिए नहीं। आज आपको और हम सबको क्यों बुलाया कि इन्होंने इतने साल तपस्या करके, मानवताओं को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, सब कुछ है, इसलिए विश्व के अंदर सारे विश्वविद्यालय है, उस सारे विश्वविद्यालय प्लानिंग बनाने लिए कमेटी है। तो वो कहते हैं हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, उसके कारण आज इतनी यूनिवर्सिटीज चलती है, इतनी पढ़ाई पर लोग जाते, चंद्रमा पर जाते, मंगल ग्रह पर भी गए। भारत के अंदर देखो एक सेकंड यहां से कहां दुनिया के उस कोने तक पहुंच सकते हैं, सब कुछ साइंस ने किया लेकिन अभी भी मन में शांति नहीं है, संतुष्टता नहीं है, वो कहां मिलेंगी, सब कुछ है, शांति कहां मिलेगी। तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है आप पूछेंगे, बहुत कुछ नहीं, बहुत सहज शब्द है, सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है, सिर्फ एक भारत देश है दो हाथ जोड़ता है, दो हाथ जोड़ने को नमस्ते कहता है। तो दो चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर, दो चीज है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है, उसके 5 गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, उससे ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर को कौन चलाता है, जो आत्मा, उसका ज्ञान आज तक कहीं भी नहीं। गीता में कहा हे अर्जुन अपने को आत्मा समझो, स्वामी विवेकानंद जी भी कहा कि आत्मा है, लेकिन ये आत्मा कहां से आती है, ये आत्मा इस शरीर में कहां है, आत्मा शरीर में रहकर क्या करती है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां गया। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत कौन कर रहा है, भगवान ऐसा करेगा, किसी को जन्मते उस बच्चे ने क्या गलत किया, लंगड़ा, अंधा, बीमार कौन कर रहा है। इसको कहा कर्मों की गति। साइंस ने हमको कार दिया, रास्ता भी दिया बना के, लेकिन कार चलाने वालों को नियम बनाया, इस विधि नियम से आपने कार चलाना चाहिए, अगर इस नियम का उल्लंघन करते हो तो सजा होगी। मां बाप ने हमको शरीर दिया और भगवान ने इस सृष्टि पर हमको भेजा, तब का सबसे पहला गुरु मां गुरु है, उसके बाद स्कूल में जाते हो टीचर है, और उससे भी सबसे बड़ा सतगुरु कहते हैं, वो सतगति करता है। अगर सतगुरु का ज्ञान नहीं है, उदाहरण के लिए देखो भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, सामने श्री कृष्ण खड़े थे, उन्होंने कहा कि बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, मुझे दुख क्यों मिला, मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली, ये तीर की शैया, तीर चुभ रहे। तब उन्होंने कहा कि बचपन में आप रथ चलाते थे, घोड़े गाड़ी चलाते थे,
रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुरंत रथ को रोका, सांप को उठा के बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, उनका लक्ष्य था हिंसा नहीं करनी चाहिए, सांप को उठा के बाजू में किया। कहां गिरा वो? जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। एक ही महाभारत के अंदर दृष्टांत आता है, कर्मों की गुह्य गति। रास्ते पर जाते हम, गरीब दिखाई दिया, आप दान किया ना, क्या गलत किया? दान किया नहीं, दान करने से पहले एक शब्द है, पात्र को देख के दान करना चाहिए। दान करना चाहिए आधा ज्ञान हुआ, पात्र को देखो। अगर आपने 10 रुपया दिया, उसने तंबाकू खाया, शराब पिया, उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। कर्म करना हमको पता है, लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए? मां बच्चों को, बच्चे ये खा लो, ये खा लो, ये कपड़े पहनो, लेकिन कभी मां कहती बच्चे ये सोचो, ऐसा नहीं सोचना, ये कौन सिखाएगा? वो सतगुरु चाहिए, क्योंकि जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। खाना अच्छा खिलाया, कपड़े अच्छा है, मकान अच्छा है, लेकिन विचार कौन सिखाएगा? हाँ, तो एक तप का आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। कार मिला, ड्राइविंग लाइसेंस कौन देगा? कंपनी वाले नहीं देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस अलग है। शरीर मिला, इस शरीर में आए, इस शरीर के अंदर बैठकर क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं है। तब दुनिया में लोग कहते खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? लेकिन कल है ना, मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। एक प्राणी को 2 रोटी दे दो, वो 1 रोटी कल के लिए रखेगा? नहीं। आज एक मनुष्य को 10 रुपया दे दो, 2 रुपया कल के लिए रखेगा। मनुष्य वो दो कल के लिए सोचता है, प्राणी वो सिर्फ वर्तमान देखता है। तब शास्त्रों में कहा मानवहा, मनुष्य प्राणी बन गया। मनुष्य प्राणी बनता नहीं, मनुष्य मनुष्य है, लेकिन हमारे आचरण प्राणी जैसे हो गया है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। शरीर में तो आए, आंखें भगवान ने दिया, 2 हाथ दिया, इन दोनों हाथों से मुझे क्या करना चाहिए, इन आंखों से क्या देखना चाहिए, इस मुख से क्या करना चाहिए, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। न होने के कारण सब कुछ है। इसलिए भारत आज भी गरीब नहीं है। भारत में हीरे जवाहरात सोना आज भी भरा हुआ है। अभी अभी मैंने देखा, थोड़े साल पहले ही एक 27 साल का सन्यासी है बेंगलुरु में, गोल्डन टेंपल करके बना, 250 टन गोल्ड का, सोने का मंदिर बनाया एक सन्यासी ने। 250 टन एक धोनी कहां से लाया? भारत आज भी गरीब नहीं है, भारत में रहने वाले गरीब बन गए। इसलिए अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आज भी भारत सारे विश्व का गुरु हो सकता है। आप पूछेंगे हमने देखा जॉर्ज इधर के कहां, इजराइल के एम्बेसी का बेटा 18 साल का है, तो उन्होंने हमको फोन किया, ईमेल भेजा, हमारा बेटा हरिद्वार जा रहा है योग सीखने के लिए, आप उनको ईमेल भेजो और आप अपने माउंट आबू में बुलाओ, इजराइल के एम्बेसी। तो उनका बेटा छोटा सा है मुस्लिम, वो भी भारत में आते हैं राजयोग सीखने के लिए। योग क्या है भारत का? सारा विश्व देखता है, भारत विश्व गुरु है, सारे विश्व को सिखाने वाला, दिखाने वाला। लेकिन भारत वाले कहां हैं? है ना, तब कहते दीवे के तले अंधकार, रोशनी औरों को मिल रही है, दीपक के तले क्या होता है? अंधकार होता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है, सिंपल एक ही शब्द याद रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए, न भगवान चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, न और कुछ चाहिए, न कभी दुख होगा, न अशांति होंगी, न बीमारी होंगी। सिर्फ एक शब्द याद रखो, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे ज्ञान का निचोड़ है एक शब्द, क्या?
मैंने इस शरीर में जन्म लिया है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड मैं जो भी कुछ करता हूं हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, तब पाप आत्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा कहते हैं। पाप शरीर नहीं कहते हैं, पाप आत्मा का। शरीर के अंदर बीमारी हो तो डॉक्टर दिखाता है आपको ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। पुण्यात्मा दिखा सकते हो? हाँ, अब भी यहां बैठे देख सकते हो आप। जब रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से आए, आंखें बंद, न सुनते हो न देखते हो, स्वप्न कहां से आए? तब कहा आत्मा ने शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक लेकिन जो भी कुछ करते हो न भगवान देखता है न कोई कैमरा लगा हुआ है, हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। कर्मों की गति आपको बताया एक उदाहरण, चावल का एक ही दाना देखा जाता है तो हंडे में सारा चावल पक गया, तो सारा ज्ञान का निचोड़ कर्मों की गुह्य गति चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए। भगवान किसी को खाना लाके नहीं देता, कर्म करना सिखाता है। शरीर दिया, एक कर्म क्षेत्र है, हम इस कर्म क्षेत्र में आए हैं, इस कर्म क्षेत्र पर इस शरीर इंद्रिया दिया है, तो इस रथ पर बैठ करके ऐसे कर्म करो। हे गीता के अंदर अर्जुन को यही कहा, अर्जुन तुम आत्मा हो, इस प्रकृति पर बैठ के शरीर पर रथ, तो इस पर बैठ के ऐसे कर्म करो जो औरों को दुख नहीं होना चाहिए। तब का जियो और औरों को भी जीने दीजिए, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक शब्द याद रखो, अगर मेरे नजरों में किसी के लिए गलत दृष्टि गई, गलत शब्द निकल गया, ये कही जाता नहीं, मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। चाहे कल भगवान भी सामने खड़ा हो वो भी माफ नहीं कर सकता है। अगर आप जानते हो, महाभारत पढ़ा हो, इंद्र सभा में सबके बीच में पांचों पांडव बैठा है, भीष्म पितामह बैठा है, भाई जी कह रहे थे हमारे पिताजी भी बैठा है और अंकल जी भी बैठे हैं, सारे परिवार के बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा दुशासन। किसी परिवार वालों ने उठकर द्रौपदी को मदद किया? किसी ने उठकर के दुशासन को रोका? चलो द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को बुलाया, भगवान भी आया, द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को नहीं रोकना चाहता। सोच लो आप, अरे तुम चुप रहो, दुशासन को रोका उन्होंने, भगवान साड़ी दे रहा है, दुशासन खींच रहा है। तो ये कर्मों की गति जान लो। इस संसार में अच्छे कर्म करने वालों को भी सम्मान है, जगह है, गलत कर्म करने वालों को भी जगह है, दोनों का भगवान किसी को रोकता नहीं है। तब कोई राजा कोई चंडाल, अपने कर्मों से, तो कर्म श्रेष्ठ है। तब कहा कर्मों के ऐसे बीज बोलो, आज भी एक बीज बोलो खेती में, आज भी ये धरती 50-100 दाना देती है, भगवान नहीं देता, विधि बताता है, इसलिए उसको कहा भाग्य विधाता। और व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो बोएंगे, गेहूं का बीज बोलो, भगवान चावल उगाएगा? हाँ उगाएगा, भोलानाथ है ना, भगवान जो चाहे कर सकता है। हाँ नहीं, जो बोएंगे वो मिलेगा। हमारे जीवन में दुख सुख अशांति का कारण कौन? भगवान ने शरीर, माँ बाप ने शरीर दिया, भगवान ने सृष्टि रची, सूर्य समय पर आता है, समय पर बरसात आती है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य को ये ज्ञान चाहिए, इन सब का उपयोग कैसे करना चाहिए। दो हाथ दिया, ये हाथ किसके लिए यूज करना चाहिए, तो वो ज्ञान चाहिए। तब कहा सत्संग से सदगति। भाई जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि सत्संग किसको कहते हैं, सदगति। अगर सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं आध्यात्मिक, तो हमारे कर्म पाप बन जाते हैं, पता नहीं चलता। उदाहरण दिया, सीता
कोई साधारण नारी नहीं थी, श्री राम के धर्म पत्नी। उनको पता नहीं चला है रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा? आज हमारे सामने कोई आए, हम कैसे पता चलेगा ये माता जी कौन है, ये भाई कौन है? श्री राम के धर्म पत्नी को पता नहीं चला है रावण है कि साधु है, हम कैसे परखेंगे? तो अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान चाहिए, परखने की शक्ति है उसके अंदर, वो देख सकता है। हमारा अपना चेहरा हम आईने में देख सकते हैं, तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर क्या भरा हुआ है। तो अपने को पहचान, दूसरों को देखते हैं, इनका मकान कैसा है, इनकी गाड़ी कैसे, इनके मोबाइल कैसा है, मेरे पास क्या है, है ना। तब का स्व का दर्शन करो, अपने आप को देखने के लिए बी इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपने आप को देखो कि मैं कौन, मेरे पास क्या है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में थोड़े समय, कोई पैसे नहीं चाहिए, पढ़े लिखे नहीं चाहिए, माताएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सबके लिए। कि आज भारत विश्व के अंदर इतनी यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, तो भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, तो वो नहीं दे सकते हैं। ये शरीर की नहीं है, ये मन की है, आत्मा को शांति चाहिए। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या पढ़ाता है कि सब कुछ करते हुए संसार में रहो, संसार छोड़ना नहीं, 24 घंटे कर्म करो, कर्म करते हुए भी कैसे करना चाहिए, तो उस कर्मों से मुझे सुख मिले, शांति मिले, औरों को भी सुख मिले, शांति मिले। तब कहा स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दीजिए। तो उस संसार में रहकर कैसे कर्म करना चाहिए, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग कहा। सिंपल, आप पूछेंगे राजयोग भी क्या है, कुछ भी नहीं है, एक ही दिन आप देख सकते हो करके, डॉक्टर 5 गोली देता है, एक गोली खाते ही पता चलता है, हाँ डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा है, विश्वास होता है। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस, विश्वास के बगैर उन्नति नहीं होती है, पहले विश्वास चाहिए। तो यहां भी आप आए हो, सुनना, आंखें खोल के सुनना, है ना, क्योंकि मनुष्य का समय बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे आप आके नहीं बैठे हो, ऐसे किसी ने फ्री कुछ दिया, लेना नहीं, फ्री कोई दवाई देंगे, लेंगे आप? नहीं, हमको बीमारी नहीं, हमको आपकी दवाई नहीं चाहिए, ये ज्ञान भी आपको नहीं चाहिए। तो लेना हो तो सोच समझ के लेना। तब का एक एक काम, कल रात को आप सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, नंबर 1 पवित्रता, नंबर 1 राज्य, कुछ नहीं करना, 24 घंटा जो चाहे करो, सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करना है कि सवेरे से रात तक एक ही दिन आपके आंखों के सामने कोई भी छोड़ना नहीं, उस कुछ ना कुछ दान देना है, इतना ही काम। 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 लोगों को दे सकते हो, कम से कम मिनिमम 1 व्यक्ति 1 घंटे में, 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट, भगवान के 1 बूंद के प्यासे है। सवेरे उठते ही 1 व्यक्ति को देखते ही शुभ सोचो। कैसे सोचो? माताजी को देखते पिताजी कहेंगे नहीं, माताजी है, कौन सी माताजी, देखो 2 साल पहले कितना गुस्सा किया, याद नहीं आएगा? आएगा। कहते दुनिया में, कहते औरों के प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव। कैसे सोचो? मैं तो नहीं सोच सकता हूं, माताजी को याद आएगी, माताजी थी 2 साल पहले, बहुत गुस्सा किया था, याद आएगा, मन मेरा मैला हो गया। तो इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप देखना, कभी किसी साधु संत के पास ले जाते हो बच्चों को, स्वामी महाराज जी आप आशीर्वाद करो, तो वो क्या करते हैं, मैं नहीं, भगवान आपका भला करेगा, मैं करता हूं नहीं, भगवान आपका भला करेगा। तो नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग, या नंबर 1 पवित्रता है। गलत विचार पहले मन में आते हैं, फिर दृष्टि, फिर बोल, फिर कर्म, मन जीत जगत जीत का, उसके लिए कुछ नहीं करना है। सवेरे आंखें खोलते खटिया पर बैठते ही भगवान, भगवान कहेंगे, भगवान कौन,
डॉक्टर बहुत है, हार्ट का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है। कौन सा भगवान चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, धन मिलेगा। सरस्वती चाहिए, विद्या मिलेगी। कौन चाहिए? एक भगवान है, सत्यम कृष्णम सुंदरम, नहीं कहा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य गॉड इज ट्रुथ, वो शिव है। शिव के मंदिर में जाओ, लिंग है, कोई शरीर का रूप नहीं है, प्रकृति नहीं है, निराकार। वन गॉड वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक परिवार एक भगवान निराकार। तो मैं क्या करता हूं कि माता जी को देखते ही, वो हमारा बाप है, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। कितना दिन आप खाना देंगे, कितना दिन आप पैसे देंगे, कितना दिन कपड़े देंगे, कितने लोगों को देंगे? कोई गरीब नहीं, हमने आदत डाली है। कुत्ते को रोज रोटी दे दो, रोज आएगा। हमने औरों को गरीब बनाया, किसी को कुछ नहीं चाहिए। औरों को देखते रहो, इसको गीता में कहा अधम ते अधम महापापी है। पत्थर मानना चाहिए नहीं, धर्म का मूल क्षमा दया। क्षमा कैसे करो, दया कैसे करो? किसी पर नजर, आदत डालो। किसी छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, मित्र हो, दुश्मन हो, किसी पर नजर जाते ही मन मेरा है, आपका नहीं, मेरे मन पर मेरा अधिकार है। हे मन, तुम इनके लिए शुभ सोचो, भगवान के बच्चे हैं, शुभ बाबा इनका कल्याण करो। उदाहरण के लिए बताओ, एक ही दिन करना, एक घंटे में एक व्यक्ति के लिए। अकल रात को सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कोई चमत्कार नहीं है, ये जादू नहीं। मेरा मन दो काम करता है, किसी को देखते गलत भी सोच सकता हूं मैं, अच्छा भी सोच सकता हूं। आज मैंने मेरे मन को पढ़ाया, ये मेरा मन है, आपको नहीं पढ़ा सकता मैं, अपने को पढ़ाओ। आया तुम औरों के प्रति एक दिन शुभ सोच लो, देख लो क्या है। गहरी नींद आती है। आज 80% जो हार्ट अटैक हो रहा है ड्यू टू गैस, 20% चर्बी के कारण। अचानक हार्ट अटैक हो गया, क्यों? हैवी खाना खाते, नींद नहीं आता है। क्यों नहीं आ रही है? कि दूसरों को दुख दिया, किसी को लूटा, किसी को परेशान किया, किसी को गुस्सा किया। दूसरों को दुख देकर आप शांति से सो सकते हो? तब कहा मन को पहले जीत लो, सारी बीमारी का, सारे दुखों का, सारे पापों का, सारे सुखों का बीज कारण मन है। मन को जीत लो, वो कुछ भी नहीं। किसी को देख लो, आंखें खोल के, आंखें बंद नहीं करो, देखो कैसा भी हो, अधम ते अधम महापापी है, वो है ना, हम तो नहीं है भगवान, ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो। देखो एक छोटा बच्चा इधर खेलता है, खुला आंगन मिल गया, उसे मौज है उसको, तो आप सबको डिस्टर्ब करता है। किसी एक भाई ने उसको चॉकलेट दिया, खाया, दो मिनट के बाद फिर आवाज करने लग गया, हाँ क्या करेंगे उसको आप? गुस्साएंगे क्या करेंगे? उपाय बताओ माता जी। छोटा बच्चा है, खेलता है, खुला आंगन मिल गया इधर, तो आप, लेकिन आप सबको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करेंगे उस बच्चे के लिए? मैंने जवाब पहले दिया, फिर आपको आपके मन में किधर कितना ध्यान है आपका, क्या करेंगे? मारेंगे, गुस्सा करेंगे, बाहर फेंक देंगे, बाहर जाओ कहेंगे? नहीं, हाँ कहेंगे, हमने कितना भी कहा हम बच्चे चुप रहो, नहीं सुनेगा। माँ उसको अपने गोदी में लेके बैठती है, माँ का सुनेगा, आपका और मेरा नहीं सुनेगा। हम सबका माँ बाप कौन? एक भगवान के बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम का। अगर कोई कुछ करता है, भगवान ये आपका बच्चा है, आप सद्बुद्धि दे दो, आप समझाओ। तब कहा हम ये नहीं करते, क्या हमारे पास ऐसे कोई शक्ति है औरों को हम परिवर्तन कर सकते हो? हमारे अंदर एक आदत बनी कि टीवी चैनल को जैसे हम चेंज करते हैं, ऐसे औरों को हम चेंज करना चाहते हैं। नहीं, ये किसी के पास अधिकार नहीं दिया है। तब कहा कि औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना।
तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है स्वपरिवर्तन। पहले विश्व परिवर्तन नहीं, औरों का परिवर्तन नहीं, पहले मुझे क्रोध मुक्त होना है। कि क्रोध करना चाहिए? हाँ हाँ, पहले स्वयं को परिवर्तन करो, स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं को सिखाओ। अगर आपका मन, आपकी वाणी, आपके कर्म अपने आप औरों को प्रेरणा देगा, है ना, सिर्फ बताने से नहीं, सुनने से नहीं होगा, कुछ करने। लोग देखना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सुन लिया, किसने किया हुआ है? तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है हमें करके दिखाना है। मंजूर? इसलिए आप सबको बहन जी ने मेहनत करके इतना बड़ा हॉल बनाया, किसके लिए? आप सबके लिए। आपके लिए सदा आमंत्रण है इधर। आपका घर भगवान का घर, बच्चों का घर, अधिकार है भगवान के घर में आते हो तो आके सत्संग करो, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। नहीं तो जाते समय क्या ले जाएंगे आप? धन आएगा, मन आए, मकान आएगा, क्या जाए? कुछ भी नहीं आएगा। अच्छे कर्म आपके अमानत है, तो अच्छे कर्म करने के लिए अच्छा ज्ञान चाहिए, तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फ्री, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं है। और सारा दिन में नहीं, सवेरे 5-10 मिनट, शाम को 5-10 मिनट, एक एक घंटा भी नहीं चाहिए। ईट लेस डाइजेस्ट मोर कहते हैं, थोड़ा सुनो, एक ही शब्द सुनो, आचरण में लाओ। ठीक है, ओम शांति।